Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of contemporary issues in marketing. Contemporary issues in marketing में एक further जो हम concept पढ़ेंगे, जो कि एक modern marketing issue है, वो है surrogate advertising. तो let's see surrogate advertising के अंदर क्या-क्या चीजें fall करती हैं, surrogate advertising होती क्या है, किन products के ऊपर जो है वो surrogate advertising apply होती है, कौन-कौन से brands हैं जो कि surrogate advertisements करते हैं. तो मे बी ये जो कॉन्सेप्ट है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का समहाउ न्यू हो आप लोगों के लिए, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. तो ये इतना डिफरेंट नहीं है, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, बट वी माइट नॉट नो द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट येट. तो ये है सरोगेट एडवर्टाइजिंग. लेट्स सी व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज. पहले देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग है क्या. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. Advertising क्या होती है? Advertising एक paid form of non-personal presentation होती है, या non-personal form of promotion होती है, जिसमें ideas को, चीजों को या services को promote किया जाता है एक sponsor के थ्रू, और वो sponsor एक identified स्पॉन्सर होता है. फॉर इंस्टेंस किसी एक खास ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया, या अपने किसी खास ब्रांड ने अपने आप को प्रमोट किया किसी टीवी चैनल के ऊपर, या कोई सर्विस है उसने प्रमोट किया, या कोई इंस्टीट्यूशन है उसने प्रमोट किया, तो हमें पता होता है कि कौन यहाँ पे प्रमोटर है और किस चैनल पे प्रमोशन चल रही है. तो एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या है. प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, आउटडोर, कोवर्ट, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटी एंड सरोगेट. आज जिस चीज पे या जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है सरोगेट एडवर्टाइजिंग. हम इन सब चीजों पे समहाउ बात कर चुके हैं, प्रिंट पे, ब्रॉडकास्ट पे, आउटडोर पे, पब्लिक सर्विस और फॉरवर्ड आई थिंक हमने भी नहीं किया, और सेलिब्रिटी जो है ये भी हम आगे फर्दर लेक्चर्स में कवर कर लेंगे. लेकिन लेट्स सी कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है. सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आप जो आपको एक सिंपल वर्ड में बता दूं इसका कॉन्सेप्ट, वो ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जिनको जो है वो जो ब्रांड होती हैं आप उनको पब्लिक मीडिया पे प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको क्या करते हो कि आप उसको जो है सोसाइटी के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद होती है, लोग उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसकी पब्लिक मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते. और बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फिर यूज किए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रमोशन यूज किए जाते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और सिर्फ इन लोगों को टारगेट किया जाता है जो कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट के यूजर्स होते हैं. तो देखते हैं कि सरोगेट क्या है. सरोगेट एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग व्हिच इज यूज्ड टू प्रमोट बैंड प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल इन द डिस्गाइज ऑफ एन अदर प्रोडक्ट. सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है कि सिगरेट्स को या अल्कोहल को या इस किस्म के कई बैंड या टैबू प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्रमोशन की आड़. तो इसको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग. दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग यूजेस अ प्रोडक्ट फेयरली क्लोज कैटेगरी एज क्लब सोडा, मिनरल वाटर इन केस ऑफ अल्कोहल, और प्रोडक्ट्स ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, सीडीज और प्लेइंग कार्ड्स टू हैमर द ब्रांड नेम इन टू द हेड्स ऑफ कस्टमर. अब क्या किया जाता है कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है ऐसी प्रोडक्ट्स के थ्रू जो कि एक जो है वो व्हाट टू से एक सबलिमिनल फॉर्म में कस्टमर के हेड तक या कस्टमर के माइंड तक उस प्रोडक्ट उस ब्रांड का नाम जो है वो पहुंच जाता है. जिस तरह अगर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक्स है तो क्लब सोडा या मिनरल वाटर के साथ साथ उसको भी किसी तरीके से सबलिमिनली प्रमोट कर दिया जाता है, या सिगरेट्स हैं उनको म्यूजिक में या सीडीज में या प्लेइंग कार्ड्स में इन चीज़ों के साथ किसी तरीके से मिक्स एंड मैच करके लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है. तो इसको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग. द बैंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल और सिगरेट मे नॉट बी प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बट रादर मास्क्ड अंडर अनदर प्रोडक्ट अंडर द सेम ब्रांड नेम. सो व्हेनेवर देयर इज मेंशन ऑफ दैट ब्रांड पीपल स्टार्ट एसोसिएटिंग इट विद द मेन प्रोडक्ट. जिस तरह अगर कोई कंपनी है जो कि मेन प्रोडक्ट अगर प्लेइंग कार्ड्स बना रही है और वो प्लेइंग कार्ड्स जो है वो उसी प्लेइंग कार्ड्स के एंड में उस प्रोडक्ट की जो है वो किसी तरीके से प्रमोशन भी की जाती है, या छोटा सा उस प्रोडक्ट के बारे में भी एक इंफॉर्मेटिव नोट लिख दिया जाता है, लाइक सिगरेट्स हो गए या ड्रिंक्स हो गए या और भी इस तरह के टाइप प्रोडक्ट्स कहीं होते हैं सोसाइटीज में, तो
तो क्या है कि उनकी भी अवेयरनेस जो है वो आपके अपने मेन प्रोडक्ट के साथ ही दे दी जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी को डायरेक्टली बैंड प्रोडक्ट के साथ जो है वो रिलेट नहीं करते, बट उसको उसकी मेन प्रोडक्ट के साथ जो है वो रिलेट करना स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर किसी कंपनी के सिगरेट्स हैं या टोबैको की कोई प्रोडक्ट है, तो क्या होता है कि ये नहीं कहा जाता कि वो ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, उसको किसी और जो उनकी मेन प्रोडक्ट होती है, फॉर इंस्टेंस अगर उनकी प्लेइंग कार्ड जो बनाते हैं या म्यूजिक है या सीडीज है, क्या कहा जाता है कि उस म्यूजिक वाली कंपनी का ये एक प्रोडक्ट भी है। तो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन की आड़ में जिसको मेन प्रोडक्ट डिक्लेयर किया गया है, आप जो है एक और प्रोडक्ट जो कि एक मास प्रोडक्ट है, आप उसको सोशली एक्सेप्टेबल वेज में या सोशल मीडिया यूज करते हुए या पब्लिक मीडिया यूज करते हुए आप प्रमोट नहीं कर सकते, आप उसको मास वे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग में फर्दर देखते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं, फॉर इंस्टेंस इंडिया है या और भी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें आप लीगल है कि आप उस लीकर को या बाकी चीजों को जो इस तरह की नेचर की होती हैं, सिगरेट्स हो गए, आप उनको फ्रीली मैन्युफैक्चर तो कर सकते हो पाकिस्तान में, जिस तरह हो गया कि लाइसेंस के थ्रू आप सिगरेट्स को मैन्युफैक्चर तो कर सकते हैं। इसी तरह माइनॉरिटीज को यहाँ लाइसेंस दिया जाता है इनको लीकर वगैरह या अल्कोहल प्रोड्यूस करने का, वो प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको पब्लिकली सेल पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं कर सकते पब्लिक मीडिया यूज करते हुए। द स्पॉन्सरिंग ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर लीजर एंड इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, तो फिर क्या होता है कि ये जो ब्रांड्स हैं वो कोई स्पोर्ट्स के या कल्चर के या लीजर इवेंट्स को जो है या टूरिज्म के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, तो क्या है कि इस तरह से इनकी भी प्रमोशन हो जाती है। लाइक टोबैको की कोई कंपनी है तो वो क्या करती है कि वो ग्रीनरी के या ट्री प्लांटेशन का कोई इवेंट जो है वो होस्ट करती है या ट्री प्लांटेशन का कोई इवेंट जो है वो कंडक्ट करवाती है और फिर उसको स्पॉन्सर करती है, या किसी और इवेंट को जो इसी नेचर का है उसको स्पॉन्सर करती है। तो फिर इसी तरह जो है वो अपने आप को भी अपने ब्रांड को भी जो है वो प्रमोट कर रही होती है, लेकिन इन अ मास्ड वे। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो एक्चुअली एक सोशल वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हिडन और ऑब्जेक्टिव होता है वो कुछ और होता है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स आर मिसलीडिंग, फॉल्स एंड डिसऑनेस्ट इन मेनी केसेस। सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स में क्या होता है कि लोगों को मिसलीड किया जा रहा होता है, या फॉल्स एंड डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट्स जो है समटाइम्स दी जा रही होती है। तो मिसलीड किस तरह से किया जा रहा होता है कि कोई और चीज शो करके कुछ और बेचने की कोशिश की जा रही होती है, तो इस तरह से आपकी एक जो है वो मिसलीडिंग एक सेंस ऑफ मिसलीड होना या डिसऑनेस्टी की एक सेंस जो है वो लोगों तक जाती है, तो ये सरोगेट के अंदर आ जाता है। व्हाई डू वी नीड टू बैन सच एडवर्टाइजमेंट, हमें इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स को या प्रोडक्ट को सोशली बैन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए कि हर सोसाइटी के कुछ सोशल एथिक्स होते हैं या सोशल बाउंड्रीज होते हैं या एक कुछ सोशल मैनर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो उनको जो है क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की बात कर लें, जैसे हमारे पास है पाकिस्तान है या और कंट्रीज हैं जिनके अंदर जो है इस्लाम डोमिनेंट है, तो हमारे पास तो टोटली सिरे से ही ये कॉन्सेप्ट फॉल्स है, तो हम इसकी प्रोडक्शन को भी जो है वो टू जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारे साथ दूसरी जिस तरह सोसाइटी के लोग भी या दूसरे ग्रुप्स के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो जो ये कंज्यूम करते हैं, तो क्या है कि हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग को समहाउ एक कंट्रोल्ड वे में तो जारी रखना होता है, लेकिन हम उसको पब्लिकली प्रमोट नहीं कर सकते। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे भी इस चीज की पब्लिक प्रमोशन को जो है वो बुरा समझा जाता है। क्यों इसलिए बुरा समझा जाता है कि एक सर्टन ग्रुप है, एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के बाद अगर कोई जो है वो कंज्यूमर्स हैं या उस एज ग्रुप के बाद अगर कोई जो है यूजर्स हैं वो उसको करें कंज्यूम करें, तो उसको फिर जो है वो समहाउ दे कैन डिफेंड देमसेल्व। बट अगर वो अंडर एज यूजेज करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक सिगरेट्स या स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे या अंडर एज ड्रिंकिंग करना शुरू कर देंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्थ के जो है वो इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस एक सोसाइटी के एथिक्स जो है वो स्टेक पे चले जाते हैं। तो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, आपको इस तरह की प्रोडक्ट की पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करने की बहुत ही कम जो है, शायद मेरे इल्म में नहीं है कि आपको पब्लिकली उस चीज को प्रमोट करने की इजाजत दी जाती हो। तो पब्लिक प्रमोशन इस किस्म की कोई भी सोसाइटी हो, उसको बैन करना पब्लिक प्रमोशन को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है।
पाकिस्तान में एक एग्जांपल जो मुझे खुद पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो ये है कि जो सिगरेट्स के यूजर्स होते हैं, वो क्योंकि सिगरेट्स की तो ना टीवी पे ऐड आ सकते हैं, ना रेडियो पे ऐड आ सकते हैं, ना आप सोशल मीडिया पे कहीं पे ऐड आ सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि उनके सेल्स पर्सन जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो ऐसी जगह होती हैं जो जिनको उन्होंने स्पॉट किया होता है, जैसे थोपे हो गए या यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ कैंटीन वगैरह होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो देखते हैं कि यंगस्टर जो है अबव द एज ऑफ 18, वहाँ यंगस्टर्स को देखते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वहां पे जाके उनसे जो है वो टैब के ऊपर, टैब्स उनको दिए होते हैं, वो टैब्स के ऊपर उनको एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं और फिर उनका आईडी कार्ड नंबर लेते हैं, प्लस उनको उनसे पूछते हैं कि आप ये कौन सा ब्रांड यूज करते हो सिगरेट का, और अगर वो कोई दूसरा यूज करते हैं तो वो फिर अपना जो है उनको एक फ्री सैंपल देते हैं, तो वो इस किस्म की जो है प्रमोशन करते हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल भी पब्लिक मीडिया यूज नहीं करते, सिर्फ वो टारगेटेड प्रमोशन करते हैं स्पेसिफिकली उस सेगमेंट को जो कि उनका यूजर है, और कभी भी उन लोगों को जो कि ये नॉन यूजर्स हैं उनको नहीं ये कहते कि आप जो हो इस चीज को, लाइक सिगरेट्स को आप एक दफा ट्राई करके देखें, तो ये कभी भी ये चीज टोटली उनको मना होती है। फिर कुछ स्पेशल जिस तरह पान शॉप्स हैं, पान एंड सिगरेट शॉप्स हैं, इस तरह की शॉप्स हैं ना, बड़ी स्मॉल स्मॉल शॉप्स होती हैं, तो वहां पे अलाउ होता है इनको कि सिर्फ अपने एड्स को पेस्ट करें, तो फिर एक के ऊपर दूसरा जो है वो पे करके, जो दुकान वाले को पे करके एक एड के ऊपर जो है अपना एड पेस्ट करता है ताकि दूसरा जो हाइड हो जाए और हमारा जो है वो प्रमोट हो जाए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाता है जो कि यूजर्स होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये वो प्रैक्टिस है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, मे भी दूसरी जो है प्रैक्टिसेस और भी चल रही है, लेकिन ये भी सरोगेट के तरीके से पाकिस्तान में जो है वो चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक नेशन होने के नाते से मुश्किल है ये चीजें प्रमोट करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रमोट करना। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि इसी तरह सरोगेट एडवर्टाइजर्स हैं, लाइक विल्स है, मैनिक चैंड है, बेकार्ड है, किंग फिशर है, एरिस्टोक्रेट है, स्मर्न ऑफ है, सी ग्राम्स है। किंग फिशर ऑल्दो ये ड्रिंक प्रोड्यूसर है, लेकिन किंग फिशर वालों ने एयरलाइन भी अपनी लॉन्च की हुई थी, और भी इस तरह की जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए थे, तो वो अपनी ही प्रोडक्ट जिस तरह एयरलाइन के अंदर जो है वो बिजनेस क्लास वालों को किंग फिशर की जो है ये इस किस्म की जो ड्रिंक्स वगैरह भी जो है वो उनको ऑफर कर देते थे या उनको दिया जाता था, उनके मेन्यू कार्ड में होता था। तो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अपने तरीके से सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मैं पब्लिक मीडिया पे नहीं जाते और हिडन वे में जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजमेंट टिल नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।